शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेलकम। लंदन में रहने वाले मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों, इंडियन हाई कमिश्नर मिस्टर चंद्रशेखर, मैं यहाँ आप लोगों के बीच एज ए फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बल्कि हिंदुस्तान का एक प्रतिनिधि बनकर आया हूँ। हमारे देश के महान नेताओं ने, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी ने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलवाकर हमारे भारत को दुल्हन के रूप की तरह सजाया था, उसका श्रृंगार किया था। लेकिन आज बदकिस्मती से हमारे दुल्हन रूपी भारत को हवाला की हवा लग गई है। लेकिन हम सब मिलकर उस दुल्हन रूपी भारत का श्रृंगार करेंगे, उसे फिर से सजाएंगे, संवारेंगे। Come on, let's enjoy the party. Excuse me, मुझे इंडियन हाई कमिश्नर से मिलना है। These are excellent proposals. You must consider these proposals. Excuse me, sir. अगर आपके तरफ से आपसे कोई मिलना चाहता है, सपोर्ट मिले तो यहाँ के बिजनेस। Allow me to introduce you to the minister. Sukhdev ji, aap raj. Namaskar. Yahan ke top businessman hone ke saath saath inka Chinese mafia par bhi kafi hold hai. Okay. Sir, mera naam Deepak Rai hai. Mujhe aap se bahut zaruri baat karni hai sir. Woh kya hai ki mujhe... Aap dekh rahe ho is waqt main kitna busy hoon. Minister sahab aaye hue hain. Excuse me please. I'll just be back. Aapko jo kuch bhi kehna hai aap likh ke de dijiye. I'll take care of it. Okay, don't worry. Basu, take care of it. Yes sir. Deepak bete, तुम कहां चले गए थे? तुम्हारी माँ कितनी परेशान है। डैड, आई एम रियली फाइन, डोंट वरी अबाउट मी, आई एम फाइन, ओके। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ पेपर एंड पेन प्लीज? यस सर। यस यस, वेरी गुड, थैंक यू। वील कीप इट, वेरी नाइस मीटिंग यू, थैंक यू। सुखदेव जी, मुबारक हो, मुबारक। लगता है कोई अच्छी खबर सुनाने वाले हो। स्विस बैंक से फोन आया था, वो इंडिया के चारे का टेंडर जो आपने अप्रूव करवाया था, उसके 40 करोड़ का कमीशन हमारे बैंक में जमा हुआ। I'm sorry, I'm so excited. अगर इसी प्रकार सारा काम चलता रहा तो हिंदुस्तान का एक दिन पूरा पैसा हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगा। I'm sorry. वो तो ठीक है, लेकिन दीपक की हालत देखकर कुछ परेशानी होती है। डोंट वरी यार, डोंट वरी, मैं उसे समझाता हूँ। एक काम करो, डॉली को फोन लगा। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। डॉली, एक खुशखबरी है, दीपक इंडिया से वापस आ गया है। अब वो सिर्फ तुम्हारा है, इट्स ऑल योर्स, एंजॉय। यस।
दीपक, हाय, कैसे हो? पापा ने फोन पे बताया कि तुम इंडिया से लौट आए. क्या हुआ इंडिया में दीपक? प्लीज टेल मी, आई एम योर फ्रेंड, मे बी आई कैन हेल्प यू. नोबडी कैन हेल्प मी. ओके, पर एटलीस्ट फ्रेंड होने के नाते मुझे बात जानने का हक है. टेल मी, क्या हुआ इंडिया में? दीपक, यू कैन ट्रस्ट मी, प्लीज बताओ ना. ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जिस दिन मैं दादी माँ को हरे कृष्णा मंदिर लेकर गया था. दीपक बेटा. दादी माँ. कहाँ रह गए थे तुम? दादी माँ, मैं अपने सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ. हरे कृष्णा गायत्री बहन. हरे कृष्ण प्रभु जी. ये लीजिए, जो इलाहाबाद से आपने कैसेट मंगवाई थी और ये इलाहाबाद का प्रसाद. जी धन्यवाद. दादी माँ, ये इंडिया से आपने भांगड़े वांगड़े या कोई कैसेट मंगवाया था क्या? अरे नहीं बेटा, ये भारत का टॉप वन गीत है, जरा लगा तो. दादी माँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं अपनी मातृभूमि की वंदना करता हूँ जो जलाशयों से भरपूर है, जहाँ शीतल पवन बहती है, उस हरी भरी वसुंधरा को मैं प्रणाम करता हूँ. तुम्हें पता है दीपक, तुम्हारे दादाजी सुबह उठते ही सबसे पहले यही गीत गाया करते थे. Why did you not? तुमने रोका क्यों नहीं उसे? मेरे उठने से पहले वो जा चुका था. Put this TV off. इसमें हर चीज क्या है? टॉली को रिसीव करने हम चले जाएंगे. हम चले जाएंगे. Don't be silly, Koshi. एयरपोर्ट जाना दीपक का जरूरी है. दीपक must go to the airport. क्योंकि क्योंकि डॉली आ रही है. डॉली क्या सोचेगी? मंत्री जी क्या सोचेंगे? मैंने मंत्री को प्रॉमिस किया था कि जब डॉली एयरपोर्ट पे आएगी तो दीपक वहां होगा. तुम्हें सुबह सुबह मंदिर जाने की क्या? अच्छा हुआ तो आ गया. अब फटाफट तैयार हो जा, तुझे जाना है. Why, mom, क्यों? तुम्हें एयरपोर्ट जाना है डॉली को पिकअप करने. सॉरी डैड, मैं नहीं जा सकता. क्या? मेरा आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है. क्यों, क्या हो गया तुझे? आईसाइट प्रॉब्लम मॉम. तुम्हारा आईसाइट बिल्कुल ठीक है. प्लीज समझने की कोशिश करो, डॉली उसकी बेटी है और मैंने मंत्री जी को प्रॉमिस किया कि मेरा बेटा एयरपोर्ट जाके उसे रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देने वाला है और तुम यहाँ खड़े हो. उसके फ्लाइट आने का टाइम हो गया. प्लीज गो टू द एयरपोर्ट. ये तुम्हारी लेट आने की सजा. मैं तुम्हारे लिए बुके बनवा रहा था, तुम्हारे वेलकम के लिए. हाउ स्वीट. दीपक, तुम उसे कितना प्यार करते हो. हाउ स्वीट. है मंत्री, तू संतरी बन जाए. तू मंत्री से चपरासी बन जाए. तेरी कुर्सी को कैंसर हो जाए. अरे रिश्तोगी, दफा करो इन लड़कों को. डॉली आने वाली है दीपक. अरे कमीने कुत्ते, हल कर चल. हट. Bali chicken, Jack. Come on, get up from your men. Come on, let's go. Jack, what's happening? क्या हो रहा है इधर? अरे यार, अब लोग इंडिया जाना चाहता है कल्चरल स्टडीज के लिए. ये साला ऐसा भाव खाता है जिसे इसका बाप का पैसा खर्चा हो रहा है ना. चलो मैं बात करती हूँ. अरे नहीं सुनेंगे, उल्लू के पट्टे है यार. Shut up. वो मेरे पापा है. वो दोनों. Hey, Jack, shut up, okay? I'm sorry, man. Sorry, man. Come with me. Go, let's go. डॉली, मेरी बेटी. आप लोग अभी तक यहाँ से गए नहीं? देखा अंकल,
पापा आपने इनका काम क्यों नहीं किया? आप जानते नहीं ये दीपक के दोस्त है। अच्छा, अरे भाई तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कि तुम लोग दीपक के दोस्त हो। खैर कोई बात नहीं रस्तोगी, मैं इन लड़कों का कल्चरल एक्सचेंज के तहत भारत दर्शन का एक टूर बनाओ। तो खुश हो बेटी? यस पापा, थैंक्स। थैंक यू सर। आप लोग अपने नामों की लिस्ट कल तक हमको दे देना। कल तक क्या सर, अभी बनाते हैं अभी। कम ऑन बॉय, चलो चलो पकड़ते हैं, लिस्ट बनाते हैं। ये हार तो मंत्री को पहना ही नहीं। अरे दीपक बेटे, आई कैन नॉट बिलीव दिस, उसने तुम्हें पार्टी में बुलाया और तुमने इनकार किया। हैव यू गॉट मैड? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। I simply cannot understand you. क्या हुआ दीपक? मैं पागल हो जाऊंगा यार। हो जाना मगर लिस्ट बनने के बाद। मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। I need your help, friends. जान हज़र यार बोल ना। मैं तुम लोगों के साथ इंडिया जाऊंगा वरना मेरा बाप मुझे जीने नहीं देगा यार। और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे दीपक। थैंक यू यार। तेरा नाम लिख लेता हूँ। नहीं, नहीं, मेरा नाम नहीं लिखना वरना लिस्ट कैंसिल हो जाएगी तुम्हारी। मैं मैनेज कर लूंगा, मैं खुद मैनेज कर लूंगा, ठीक है? ओके। अरे फोन है। बाप का है? नो 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 नो। सुखदेव जी, ये चिट्ठी मेरे छाती पर छोड़ के गया है। अरे भाई मेरा तो कुछ नहीं है लेकिन कम से कम डॉली का तो सोचा होता। हमको एक आइडिया आया कुलदीप जी, अगर हम डॉली बिटिया को उसके पीछे पीछे इंडिया भेज दें तो। गुड आइडिया पापा। बहुत गुड आइडिया बेटा, पागल हो गया क्या? दो दिन में भाग कर वापस आएगा देखना। क्या मतलब है आपका? मैं, अरे मम्मी, इनका कहना है कि लंदन के महलों में ऐश और आराम से पला हुआ लड़का जब वहाँ की धूल और मिट्टी से भरे हुए और बदबूदार माहौल में रहेगा और उनका गंदा पानी पिएगा। हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ? और जब रात भर उसे खटमल और मच्छर काटेंगे ना तो कल की फ्लाइट पे आप बैठ कर यहाँ पर वापस आ जाएगा। कुलदीप, जिस धूल और मिट्टी के बारे में तुम कह रहे हो उसी माहौल में तुम्हारे पिता ने जन्म लिया था, और जिसे तुम गंदा जल कह रहे हो उसी गंगा जल को पीकर तुम्हारे पिता और शहीदों ने देश के दुश्मनों को मच्छरों की तरह भगाया था। माफ करना सुखदेव, मैं अपने भारत की बुराई नहीं सुन सकती।
रानी तेरी गाय रे, पुकार चली जाए रे, न जाने किस मोड़ पे मुझे तू मिल जाए रे, मेरे मन में है तू तू, मेरे तन में है तू तू, जहां भी देखूं तू ही तू। जान की परवाह नहीं है? मेरी जान को? क्यों, क्या हुआ मेरी जान को? जरा नीचे देखो। Thanks. Thanks for saving my life. Thanks. Shake hands. Huh? Shake hands. Come on. Come on. I'm Deepak. Excuse me! Who are you? I mean, aapka naam kya hai? Radha! Mere man mein hai tu, tu. क्या बात है? बदतमीज कहीं के? ऐसे क्या देख रहे हो? इंडियन मूड। ओह क्या बात है राधा जी। भैया तुम्हें ये टोपी कहाँ से मिली? भैया वो जो लड़के लंदन से आए हैं उन्हीं में से एक ने दी है, दीपक नाम है उसका। तुम्हें क्या जरूरत थी किसी अजनबी से टोपी लेने की? भैया वो पहाड़ी से गिरने वाला था, हमने उसे बचा लिया और उसने हमें टोपी पहना दी दोस्ती के नाम पर। अरे राधा तू रोज किशन जी के सामने माथा टेकती है, कभी कुछ मांगा नहीं भगवान से? हम क्या मांगे बाबा। अरे तू भी तो राधा है, पूछा नहीं तेरा किशन कब आएगा? राधा हा? क्या क्या बात है? मैं
पूजा करनी है? हाँ, पूजा करनी। अच्छा, तो 11 वाली या 21 वाली? हाँ, जो भी बेटर हो। तो फिर 21 वाली करते हैं, ठीक है? हाँ, मैं आरती की थाली लेके आती हूँ। जरा जल्दी आना, भक्तजन है, जल्दी पूजा करनी है। अच्छा अच्छा, जी नमस्ते। हरे कृष्ण। हाथ जोड़ो। हमें नहीं, फिर भगवान जी को। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं उन्हें तो ऑलरेडी जोड़ चुका हूँ। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं फिर से जोड़ लेता हूँ। हार पहना दो। ये क्या किया? क्या किया? हार झूठा कर दिया, अब दूसरा लाना पड़ेगा। क्यों, मुझे पहनाने के लिए? भगवान जी को पहनाने के लिए। अच्छा अच्छा, लेकिन वो तो पहले से ही पहन चुके हैं। लो आरती, लो। ला। हे भगवान, तुम्हें तो आरती लेनी भी नहीं आती। क्यों, ले तो ली। आरती ऐसे नहीं, ऐसे लेते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे। अच्छा अच्छा, तो ये लो, मैं आरती लेता हूं। आरती तो तुमने बहुत अच्छी करा दी, लेकिन हमारी आरती तो आपने पूरी की पूरी उतार दी ना। मेरी दादी जो है ना, उनके लिए एक सुंदर सी राधा की मूर्ति चाहिए। देखो वालों में किशन जी अकेले खड़े हैं, और तुम ही दिलवाओगे तो पाप तुम्हें ही लगेगा। प्लीज मुझे दिलवा दो। पर उसके लिए तो बहुत ऊंचे जाना पड़ेगा। कहाँ? खटोले से। Beautiful. हरे कृष्णा, रक्षा करना। अरे राधा, क्या हुआ? हमें खटोले में डर लगता है, हम तो नहीं आने वाले थे, पर फिर सोचा वहाँ लंदन में किशन जी बिना राधा के अकेले खड़े रहेंगे तो पाप तो हमें लगेगा ना, इसलिए हिम्मत बटोर के आ गए। कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो। नहीं, हमें चक्कर आ जाएंगे और हम नीचे गिर जाएंगे। अरे डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना, मैं गिरने नहीं दूंगा तुम्हें। आंखें खोलो। रुके बैठो, कोई देख लेगा तो। अरे फिर देखने दो, कमाल है, तुम यहाँ डर रही हो और मैं दूर बैठा रहा हूँ। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अच्छा बाबा, तुम दूर होके बैठो, हम आंखें खोलते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे गिर गए, गिर गए, गिर गए। इसमें इतना हंसने की क्या बात है, अब बस भी करो। अच्छा तो आपके घर में कौन कौन है? मॉम है, डैड है, और मेरी दादी माँ है। दादी? आपके शहर लंदन में दादा दादी को भी मानते हैं? क्यों नहीं, मेरा सब कुछ तो मेरी दादी माँ ही है। मैं रोज सवेरे उन्हें मंदिर ले जाता हूँ। अरे आपके लंदन में मंदिर कहाँ से आ गए? अरे क्यों नहीं, अरे लंदन में मंदिर है, मस्जिद है और गुरुद्वारे भी है। अच्छा, और सामने ये आपकी दादी माँ के लिए मूर्ति बनाने वाले मंदार बाबा हैं। मंदार बाबा? भाई राधा के तो कई रूप हैं, तुम्हें किस रूप की राधा चाहिए? ऐसी राधा चाहिए मुझे, बिल्कुल ऐसी राधा। बड़ी सयानी हो गई है हमारी राधा रानी। आ,
अरे काहे शर्माती हो राधा रानी? तुमरे दिल में का है हम अच्छी तरह जानत है। तुम यही ना चाहती हो कि हम जल्दी से जल्दी तुम्हें ब्याह के ले जाएं? तो इमें चिंता की कौनो बात नहीं है। अरे हम मुरली भैया से कह दिए हैं कि ई होली के बाद पहला शगुन निकलते ही तोहे ब्याह के ले जाएंगे। कहाँ गई? ऐसे दाल नहीं ना गलेगी। नहीं ना पहुंच पाए। एक बार हमको देख के तनिक प्यार से मुस्कुरा दो राधा रानी। अरे काहे इतना शर्माती हो राधा रानी? अब हूं तो ठीक है, हमें अभी बेशरम होना पड़ेगा। क्या बात है? This is Indian rock. लगा चुनरी में दाग छिपा, कैसे लगा चुनरी में दाग। अब इसी इंडियन राग को रेगे रैप कैसे बनाता हूँ ये समझे कोई नहीं कर सकता। ये रास चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, how can I go home, how can I go home, how can I go, rap 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 rap, the world class rap rap, it's not bad, it's rap। वाह, क्या राग का रेगे रैप बनाया तूने यार। ओके मैन, एक बार मेरा म्यूजिक हिट हो जाए फिर देखना तुम्हारी मैडम ने भाभी को बैड गर्ल से गुड गर्ल बनाकर घाघरा चोली में लेना चाहे तो मेरा नाम भी जैक अली खान नहीं मैन। मैडम ने तो ठीक है मगर ये वृंदावन की मैडम ने कहां से आ गई? ओह माय गॉड, शी इज फैंटास्टिक। बोले ना दे दा दे दा ना दे 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 ना दे दे दा ना दे ना दे दे दा ना 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 दे किन्ना नहीं मेरी माँ दे दे दा ना दे दे दा ने दा ना दे दे ना दे दे दा ने दा ना दे दे। What have you done to yourself? Yeah, thank you. You're welcome. Thank you. Oh, thank you. अरे ये क्या होलिया बना रखा है तुमने? हम मेम बनकर आए हैं, आपसे लंदन के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। लंदन के बारे में? हम आपसे ये पूछने आए हैं कि आपके शहर लंदन में कोई लड़की किसी लड़के से कैसे कहती है कि वो। देखा, शर्मा गई ना मिस मैडम ना, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो शर्म छोड़ दीजिए। पूछिए, जल्दी पूछिए, पूछे पूछिए। हाँ हाँ, हम आपसे ये पूछने आए हैं कि आपके शहर लंदन में कोई लड़की किसी लड़के से कैसे कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। जय कृष्णा। आपको बताना है तो जल्दी बताइए, हाँ बहुत जल्दी में। अरे सुनिए, इट्स वेरी सिंपल। वो लड़की लड़के के पास आएगी और कहेगी कि आई लव यू दीपक। आई लव यू दीपक क्यों भाई, जबरदस्ती है क्या? मिस राधे, वो सिर्फ आई लव यू कहेगी, ये अपना नाम खाना का ठोस रहा है। एक बार फिर बताइए। वो कहेगी आई लव यू। राधा, ये नहीं पूछोगी कि एक लंदन का लड़का यही बात किसी से कैसे कहेगा? जय राधे दीपक, जल्दी से लपक, यू टेक दिस, यू कीप दिस एंड यू कीप फॉर दीपक बॉय। जादूगर जादू चला के, जादूगर जादूगर जादू चला के, छोड़ न जाना हमें अपना बना के। आँखों के रास्ते से दिल में समा के, आँखों के रास्ते से दिल में समा के, छोड़ न जाना हमें अपना।
जादूगर जादूगर जादू चला के जादूगर जादूगर जादू चला के छोड़ न जाना हमें अपना बना के जादूगर जादूगर जादू चला के छेड़ना नहीं तू है किस्मत मेरी जाने जा बन के अब तू बिगड़ना नहीं जादू गए जादू चला के जादू गए जादू चला के छोड़ न जाना हमें अपना जादू गए जादू चला के हिमालय के चोटी पर क्या बकवास कर रहे हो अंकल मैं सही कह रहा हूँ वो वृंदावन में ऑलरेडी झंडा गाड़ चुका है कह रहा था हिमालय की चोटी पर झंडा गाड़ के मैं अपने बाप का नाम रोशन करूंगा क्या हाँ हिमालय की चोटी पर हाँ मेरा ख्याल अब तो गाड़ भी चुका होगा अब वो आपका पुत्र नहीं अंकल वो हिमालय पुत्र हो गया होगा लगता है तुम लोग हिंदुस्तान जाकर पागल हो गए दादी माँ जैसे दीपक तुम्हें मिले उसको बोलना फौरन लंदन वापस आ जाए डॉली बोर हो रही है जी 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 जरा दादी माँ को फोन देंगे प्लीज क्यों ये रावण है यार नहीं नहीं वृंदावन दे वृंदावन की हाईफाई न्यूज़ सुनानी है उनको दादी माँ चल गॉड तुम लोग भी मम्मी आप जरा बात कीजिए क्या हुआ मॉम बात कर योर डैड इज वेरी बैड आई एम गोइंग यार हेलो दादी माँ सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना हाँ क्या पोजीशन है पापा और मंत्री जी वही हैं हाँ हाँ ओह अच्छा सुनो दादी माँ याद है लंदन के मंदिर में मैं राधा की मूर्ति देखकर रोमांटिक हो जाता था यहाँ पे भी मैंने एक प्यारी सी जीती जागती राधा देखी है और मैं रोमांटिक हो गया हूँ दादी माँ अगर परमिशन हो तो आगे बढ़ो हाँ हाँ ये क्या हाँ हाँ कर रही हो माँ ना ना हाँ 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 बढ़ो हाँ थैंक यू दादी माँ थैंक यू हाँ हाँ दादी माँ दीपक का पूछो ना वापस कब आ रहा है हाँ हेलो 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 फोन ही कट गया बेटा मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी वापस आ रहा है वो तो वहाँ बहुत मजे में है आई लव यू दादी माँ आई लव यू डैड दिस इज टू मच मैं अपने टूर पे वापस जा रही हूँ डॉली बिटिया अगर टूर पे ही जाना है तो हिमालय जाओ अपना दीपक भी वहीं पे है किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है मैं इंडिया जा रहा हूँ हिमालय तो क्या दीपक अगर पाताल में भी छुपा होगा ना उसे ढूंढ निकालूंगा आखिर मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है लेकिन डॉली की जिंदगी से दीपक का क्या संबंध है बड़ा गहरा संबंध है माँ जी अरे डॉली की शादी दीपक के साथ होने वाली है डॉली की शादी दीपक से होने वाली है लेकिन ये बात मुझे दीपक ने तो नहीं बताई क्या उसे पता है ये बात क्या तुमने पूछा है उससे माँ जी इसमें पूछना क्या है जब आप लोगों ने मेरी शादी करवाई तो मुझसे नहीं पूछा और ये तो माँ बाप का हक होता है और माँ जी डॉली से बेहतर लड़की दीपक को कहाँ मिलेगी बेटा ऐसा तो तुम सोच रहे हो ना क्या मतलब माँ जी मतलब ये अगर कल दीपक ने शादी से मना कर दिया तो डॉली बेचारी का क्या होगा माँ जी मेरी बेटी बेचारी नहीं है लेकिन दादी माँ हमारी नजर को नजर ना लगे हमारी डॉली तो साक्षात लक्ष्मी है लक्ष्मी करोड़ों रुपये की संपत्ति लेकर घर में आ रही है तो क्या आप लोग मेरे दीपक को खरीदना चाहते हैं प्लीज प्लीज आप सब चुप हो जाए कुलदीप मुझे माँ जी से कुछ अकेले में बातें करनी है आइए माँ जी आइए दरअसल आपके बेटे ने और मैंने कुछ बहुत बड़े बड़े सौदे किए हैं
जिसमें करोड़ों की दलाली का लेन देन हुआ है। अब अंग्रेजी में इस तरह के सौदों को स्कैम कहते हैं, लेकिन हमारी भाषा में घोटाला। अब ये करोड़ों रुपया विदेशी बैंकों में डॉलर्स की शक्ल में डॉली और आपके पूरे परिवार के नाम जमा है माँ जी। देखिए माँ जी, अगर ये रिश्ता टूटा तो दिल टूटेंगे, सबके नाम आएंगे, बहुत बदनामी होगी, बहुत बदनामी होगी। और सबसे ज्यादा बदनामी तो आपके पति देश प्रेमी देश बंधु दीनानाथ जी की होगी, बहुत बदनामी होगी माँ जी। माँ जी आपके पांव पड़ता हूं, दोनों बच्चों को आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, प्रणाम। चलो डॉली, कुलदीप, माँ जी हमारे बच्चों को आशीर्वाद जरूर देंगी। अच्छा भाभी नमस्कार। ओके बाय बाय कुलदीप, थैंक यू। आओ बेटा जी। नमस्कार। नमस्ते जी। चलिए माँ जी खाना खा लीजिए। कुलदीप क्या सुन रही हूँ मैं? माँ जी रिलैक्स। मम्मी मैंने मैंने जो कुछ भी किया इस परिवार के लिए किया, आप लोगों के सुख के लिए किया। मेरे सुख के लिए? अगर मैं किसी मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए दम तोड़ देती तो भी मुझे इतना दुख ना होता जितना तेरे महलों के मखमली गद्दों पर तोड़ते हुए होगा। माँ जी अब तो मेरी अस्थियां भी गंगा में बहाने लायक नहीं है, क्योंकि ये अस्थियां उस बदनसीब माँ की है जिसका बेटा उस देश से गद्दारी कर रहा है, जिसकी आजादी के लिए कितनी माओ ने अपनी गोदे सूनी कर दी, सुहागनों ने अपने सुहाग लौटा दिए। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए। ये क्या कर रही हैं आप? नहीं तू बड़ी भाग्यशाली है, तुझे दीपक जैसा बेटा मिला है। चलिए आराम करिए, चलिए उठिए। कुलदीप तू चाहे कितना बड़ा सौदागर बन जाए लेकिन मेरे दीपक को नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि वो बिकाऊ नहीं है। मम्मी आप, वो अपने दादाजी का पोता है, मेरा गौरव, मेरा स्वाभिमान, मेरे स्वामी देश बंधु दीनानाथ जी का वारिस है। माजी, माजी। माजी, क्या हो गया? क्या हो गया मम्मी? मम्मी कोशी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ फौरन। जी मम्मी, मम्मी आप बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए आप। मम्मी आप बैठ जाइए। That's good, that's good. मम्मी आप ठीक तो हैं? टिंग 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 टिंग। अरे फोन उठा, फोन बज रहा है। फोन कहाँ है? फोन ये that's nice. अच्छा दोस्त, आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने वाला हूँ। यहाँ मैंने एक लड़की पसंद की है। अच्छा कैसी है वो? कैसी है? अरे परी जैसी है, परी जैसी, समझ लो आसमान से उतर के सीधे मेरे दिल में समा गई। अरे खुशबू की तरह मेरी धड़कनों में बस गई। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ उसके भाई ने उसके रिश्ते की बात किसी पहलवान के साथ की है, लेकिन वो मुझे ही प्यार करती है, करती है ना? मैं उससे शादी की बात करूं वो मानेगी ना? राधा दुल्हन बनोगी मेरी? डिंग 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 टिर डिंग 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 दुल्हन बनू
दुल्हन बनूं मैं तेरी, जिस दिन से मैंने तुझे देखा है उस दिन से ये फैसला मेरा है, दुल्हन बनूं मैं तेरी रे, दुल्हन बनूं मैं तेरी। के दिन उसके भाई मुरली ने हमें साथ देख लिया और जबरदस्ती राधा को खींचकर अपने साथ ले गया। चल, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा राधा, वो तो विलायती बाबू है, यहां के तौर तरीके कुछ नहीं जानता, लेकिन तू अपनी मर्यादा कैसे भूल गई? तू ये कैसे भूल गई कि तेरी मंगनी बांके के साथ तय हो चुकी है? मैं आज ही बांके को संदेशा भेजता हूं कि तुझे आके तुरंत ले जाए। अब क्या चाहिए? हाँ कर दे बेटा, हाँ कर दे। इतने बड़े घर में हमारी बेटी राधा दुल्हन बनकर जाएगी, उसके भाग खुल जाएंगे बेटा। हाँ कर दे, क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल। देश बंधु दीनानाथ की जय! 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 आज भी लगा रखी है। और ले भैया,
मैं थोड़े जाएंगे यहां से। इससे पहले कि मेरी सांस रुक जाए, मैं राधा का कन्यादान करना चाहता हूं। मेरी आंख बंद होने से पहले दीपक बाबू इसकी मांग में सिंदूर भर दो। डाल रहा हूँ डोरे मैडोना आई लव यू आई लव यू मैडोना आई लव यू। हाय रब्बा। हाय रोजा। हाय अब्बा। तुमको अब्बा रब्बा के सिवा कुछ नहीं आता है? तुम कहीं जल्दी से छुप जाओ, क्यों अब्बा तुम्हें इस गरम कढ़ाई में डाल देंगे। ओ अब्बा योर डैडी, ओह माय गॉड, गरम कढ़ाई में। नो आई एम फ्रोजन, आई एम फ्रोजन, हाइड मी, हाइड मी मैडोना, प्लीज प्लीज। फिरोजा बेटी, फिरोजा। जी अब्बा। बेटा छतरी कहाँ है? छतरी लेनी भूल गया मैं। आ हा हा, क्या छतरी है, रंगने के लिए आई होगी? हाँ वाह 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 वाह, आ हा हा, क्या बात है। अरे टोपी भी तो लेने आया था, अकेली मारी गई मेरी तो। टोपी कम, ठीक है यही ले लेता हूँ। अच्छा बेटा चलता हूँ मैं। अरे मैं तो साला साहब बन गया। अच्छा तुम्हारा बाप पैंट नहीं भूल गया, वरना नंगे जाना पड़ता है। कैसा बाप है, हम तुम्हारे घर नहीं आएगा बहन? गया कैसा बाहर आएगा? दीपक तो है कहाँ? मॉम मैं ठीक हूँ। मॉम जरा दादी को फोन देना प्लीज। माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। क्या लगता है तुझे देखने के लिए जिंदा है। बेटे तू जल्द से जल्द वापस आ जा। मैं आ रहा हूँ मामू, मैं आ रहा हूँ। राधा देखो कुछ ही दिनों की तो बात है, बस दादी के ठीक होते ही तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और मेरी राधा धूमधाम से लंदन जाएगी और सारा लंदन देखता रह जाएगा। क्यों ठीक है ना? अरे I'll be back soon. जादू गए जादू चला के।
रखना कि नजरें मेरी तक रही है तेरा रास्ता, भूल नहीं जाना तू परदेश जाके, जादूगर जादूगर जादू चला के छोड़ देखो मैं आ गया हूं, तुम्हारा दीपक। आंखें खोलो दादी मां, आंखें खोलो। ये देखो तुम्हारे लिए कितनी प्यारी सी एक राधा की मूर्ति लाए हूं दादी मां। देखो ये तो तुम्हारे मंदिर में रहेगी ना, और मैंने जो राधा देखी वो तुम्हारे चरणों में रहेगी, तुम्हारी बहू बनकर। जानती हो दादी मां, इंडिया बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम कहती थी, सुजलाम शुभलाम मलायत शीतला भारत वंदे मातर वंदे मातर। दादी मां, तू अंग्रेज हमरा अंग्रेज लाहौर विला कुवैत। लाहौर वाया कुवैत? आपको कुवैत जाना है तो लाहौर से क्यों जा रहे हैं? इंडिया से जाइए, सस्ता पड़ेगा। खामोश, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। खामोश, ये शादी क्यों नहीं हो सकती है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। विल्ला वी चदर, यू नो। तू हमारे खानदान को बदनाम करना चाहता है? ओह आई एम वेरी सॉरी अब्बा, आपके खानदान का नाम एवरीडे हम स्टार टीवी बीबीसी में रोज देखते रहता है। टाइगर खानदान है, पांडान है। खामोश खामोश, हम तुम्हारी बेटी को लंदन लेके जाना चाह रहा है, उसके पासपोर्ट रेडी है, वो वीजा के वास्ते मालूम है, वो कितने देर झुकना पड़ता है, और तुम अगर पान भाव खाए जा रहे हो। लिसन टू हर। अब्बा हाँ कर दो, मैं इनकी चाहत के रंग में रंग गई हूँ। देखो कितना कलरफुल हो गई है, फ्यूजिक कलर। अब बोलो। खामोश, मैं इसका सारा रंग उतार दूंगा। जब इसका रंग उतारना है तो चढ़ाए क्यों? आई मीन उसको फदा क्यों किया? फिर बढ़ जाएगा। अब्बा हाँ कर दीजिए। अरे कैसे हाँ कर दूं बेटा, ये अंग्रेज और मैं पक्का मुसलमान, कैसे कर दूं हाँ? ओ इट्स वेरी इजी, तुम पक्का मुसलमान, हम पक्का पक्का मुसलमान। क्या मतलब? या हमारा वालिद हाजी बदरुद्दीन इंडिया में पहला गोनी बेचता था, अभी लंदन में कारपेट बेचता है, यू नो। मैं उसका छोटा नवाब जिसको पूरा वर्ल्ड लिटिल जैक के नाम से जानता है, आपने भी सुना होगा लिटिल जैक। हमने तो भाई क्रैक जैक बिस्कुट सुना है और वही खाया है। अब तुम कौन से जैक हो हमें नहीं मालूम। ओके नो प्रॉब्लम, लिटिल जैक का मतलब है लिटिल एन ए छोटे, जैक एन ए गुलाम अली खान, लिटिल जैक अली खान यानी कि छोटे गुलाम अली खान। सुभान अल्लाह। भाई बड़े गुलाम अली खान साहब को सुना भी था और देखा भी था। क्या आज छोटे गुलाम अली खान साहब के भी दीदार हो गए? वाह। ज्यादा बता, सौदाद गिर जाएगा। तो क्या हुआ? इस अंग्रेजी ससुर के लिए अंग्रेजी दांत ला देना। ओके श्योर, व्हाई नॉट व्हाई नॉट। अब तुम हमारे शादी का बंधन का तैयारी करो और तुम लंदन का तैयारी करो। ओके हम चलता। तुम कहाँ जा रहे हो? वो राधा को भी तो ये ना।
Sorry, we can't take your call right now. But if you leave your name and number, we'll get back to you. Thank you. My friend, कैसी लगी आवाज जो मेरे साथ लंदन पहुंच चुकी है? Just landed. Come immediately, man. We are waiting for you, my dear friend. And come soon, yeah. Don't waste time, yeah. Come on. Jack, you're great. Jack. देखो यार, ऐसी बैठे रहना, गिरना नहीं. मेरे माने में है तू तू, मेरे ताने में है तू तू, जहां भी देखो तू ही तू. देखा मैंने कैसा बिल्डअप किया था. जैक बेबी, कूल कूल मैन, माय वाइफ यार, शादी करके लाया हूँ भाई. कोई भगा कर नहीं लाया. जैक, मैंने सोचा था राधा को लेके आया यार, मगर अरे मैं राधा को लेकर आ रहा था, बट योर डैड इज रियली वेरी बैड. राधा आपको पल पल याद करती है. हाँ, और उसकी याद, ये वो कैसेट है जिसको मैंने आंसरिंग मशीन में बजाया था. और ये आपके लिए, इसे अकेले में पढ़िए और पढ़ लिख के कुछ बनिए, समझे? हमको टेंशन मत दीजिए. एक्सक्यूज मी, अकेला कब तक कुंवारा घूमता रहेगा, आई मीन आवारा घूमता रहेगा. मेरे प्यारे दीपक, हर पल तुम्हारी याद में मैं दुल्हन की तरह श्रृंगार करके सारी रात यूं ही आंखों में गुजार देती हूँ. अब ये तन्हाई सही नहीं जाती दीपक. इससे पहले कि तुम्हारी राधा इंतजार की आग में जल जाए, तुम आकर मुझे ले जाओ. बस इस दिल की हालत ये है. क्या सोच रहे हो? आ, सोचे तो कुछ नहीं होगा, कुछ काम करो 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 करो, चलो. अरे वाह, ये तो मेरी बात कभी सुनता नहीं, तेरी बात सुनता है? कमाल हो गया यार. मेरी राहों में बिछी है जिसकी नजर, मैंने ली ना अब तक उसकी खबर. मेरी आंखों में वो चेहरा उभरता है, एक तीर सा दिल में उतरता है. उसे छेड़ती आहटे पांव की, ताना कसती जुबाने गांव की. बांध सकेगी जंजीर नहीं, रोक सकेगी तकदीर नहीं. मुझे मेरा वादा निभाना है, संग उसके ये फिर गाना है. क्या जादूगर जादूगर जादू चला के, जादूगर जादूगर जादू चला के, छोड़ न जाना हमें अपना बना के. जादूगर जादूगर जादू चला के. हेलो आंटी, मैं जैक बोल रहा हूँ. हाँ बोलो बेटे. जी, दीपक इंडिया चला गया है. क्या? माँ उससे शादी कर ली है और उससे कहा कि आंटी से कहना कि डोंट वरी.
एक्सक्यूज मी, यस, आप जरा मेरे साथ आइए। व्हाई, व्हाट्स द मैटर? आइए प्लीज, कम आइए, प्लीज हैव अ सीट। लेकिन लेकिन आप मुझे यहां क्यों ले हैं? आपको लंदन वापस जाना होगा। यू आर जोकिंग और समथिंग? आपका वीजा कैंसिल कर दिया गया है। व्हाट्स द मैटर? ये देखिए, आपके हिंदुस्तान प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है, आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। बट आई मीन मेरा वीजा कैंसिल होने का कुछ कारण? बट व्हाई? बताता हूं। हेलो, हाँ भिंडा सर। जी हाँ, ये दीपक साहब जिन्हें डिटेन किया गया है, ये जानना चाहते हैं कि इन्हें डिटेन क्यों किया है। जी हाँ। जी सर। जी हाँ सर, थैंक यू सर। आपको रीजन बता दिया जाएगा मिस्टर दीपक, प्लीज रिलैक्स। रिलैक्स? आई मीन मैं कोई स्मगलर या आई मीन आई एम नॉट अ टेररिस्ट और समथिंग। ऑफिसर प्लीज लिसन टू मी, मेरी पत्नी वहां मेरा इंतजार कर रही है और आप लोग मुझे या आई एम सॉरी मिस्टर दीपक, मैं मजबूर हूं। तो मुझे एक ऐसे ऑफिसर का नाम बताइए जो मेरी मदद कर सकता है प्लीज। देखिए मिस्टर दीपक, यहां कोई ऐसा ऑफिसर नहीं जो आपकी मदद कर सके। आप लंदन वापस जाइए, अपना वीजा ओके करवाइए और 100 बार हिंदुस्तान वापस आइए। भला मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला? लुक लुक लुक, मैं इतनी दूर से इंडिया आया हूं और मेरी मेरी पत्नी माय वाइफ वो मेरा एक एक पल गिन गिन कर मेरा इंतजार कर रही है और आप लोग मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताकर वापस भेज रहे हैं। व्हाई? जरा सोचिए प्लीज। आप किसी अपने से मिलने के लिए एक लंबा सफर तय करें और मंजिल तक पहुंचकर आपको कोई पाबंदी का कागज दिखा तो कैसे लगेगा आपको? हाउ डज इट फील? हाँ देखिए ऑफिसर, ये कागज का टुकड़ा दिखाकर प्लीज आप मेरी जिंदगी के टुकड़े मत कीजिए प्लीज। मिस्टर दीपक, आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस, लेकिन मैं मजबूर हूं। या फाइन, आई एम गोइंग। मिस्टर दीपक लिसन टू मी। मुझे ज्यादती करने पर मजबूर मत कराओ। चलो चड्डा साहब, व्हाट आर यू डूइंग? चड्डा साहब, आप जानते नहीं ये कौन है? कौन है ये? इनका नाम दीपक है, दीपक मैं रस्तोगी, रसिकलाल रस्तोगी। छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए। अंकल आप, थैंक गॉड। तुम यहां क्या कर रहे हो बेटे? तुम लंदन क्यों नहीं गए? अंकल वो बहुत लंबी कहानी है, मैं लंदन जाके वापस आया हूं और मैंने यहां इंडिया में शादी कर ली। अब मैं उसे वापस लेने आया हूं और ये लोग बोल रहे हैं कि मेरा वीजा कैंसिल हो गया। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। देखो बेटे, मैं सरकारी मामलात में दखल तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे काम जरूर कर सकता हूं। अगर तुम अपनी पत्नी का पता और नाम बता दो तो तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं उसे यहां ले आऊंगा। क्या नाम बताया, बताओ तो? वृंदावन में रहती है वो, राधा नाम है उसका। मुरली फूल वाले की बहन। बस तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे चड्डा साहब, ये मिनिस्टर सुखदेव ठाकुर के दोस्त का बेटा है। मिस्टर रस्तोगी, हमें ने सुबह की फ्लाइट से लंदन भेजना होगा। क्या? देखिए चड्डा साहब, मैं अभी गया और अभी आया, आप इस बच्चे का ख्याल कीजिएगा। क्या नाम बताया था? राधा जी, वृंदावन में रहती है। और मुरली फूल वाले की मैं अभी आया, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। चलिए मिस्टर दीपक, रिलैक्स, जब तक आपकी बीवी नहीं आ जाती आप हमारे पास आराम से बैठिए। यस सर। यस मिस्टर दीपक, आप पिछली बार जब हिंदुस्तान आए थे तो आपका किसी बांकेलाल से झगड़ा हुआ था और को मुरली फूल वाला मारा गया था। वो मुरली फूल वाले तो मेरे ब्रदर इन लॉ थे जो मुझे बचाने के लिए वो। देखिए बात यह है कि देखिए, मैं पूरी कहानी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूं मिस्टर दीपक। आपने कारण पूछा था, मैंने जवाब दे दिया, अभी आप चुपचाप आराम से बैठ जाइए प्लीज। देखिए प्लीज, ये मुरली को तो वो बांकेलाल ने मारा था प्लीज, और वो फरार हो गया।
बिलीव मी। सजना से मिलन होगा, शर्माने के दिन आए। राधा आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया। क्या सोच रहे हैं? चलिए। मिस्टर दीपक, स्टॉप दिस नॉनसेंस। व्हाट द फक, पर कोई नहीं होगा। टेक हिम टू द फ्लाइट। टेक हिम। छोड़, छोड़, अब छोड़। ए, ए, छोड़। ए, अरे देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। सारे, छोड़ मुझे। अरे देख लूंगा, सबको देख लूंगा। छोड़। इंडिया से निकाले जाने के बाद मैं सीधा यहां इंडियन हाईकमिश्नर से मिला। उसने कहा है कि वो राधा के बारे में पता लगाएगा। पता नहीं मेरी राधा किस हाल में होगी। पता नहीं। नमस्कार मंत्री जी। अरे राधा का पता चल गया मंत्री जी। कैसे होगी? जितनी जल्दी हो सके इस किस्से को खत्म करो। और हाँ,
एयरपोर्ट ऑफिसर चढ़ा के यहाँ, थोड़ी सी मिठाई भिजवा देना। अरे घंटा घर की मिठाई पहुंचवा दूंगा मंत्री जी। ये वृंदावन में मुरली फूल वाले की बहन राधा को जानत हो का रे? राधा? हाँ। अरे बहुत अच्छी तरह जानत है रस्तोगी साहब, उसके साथ तो हमारी शादी होने वाली थी। तो फिर बांके लाल, आज की रात राधा रानी तुम्हारी, पूरी की पूरी तुम्हारी। खुश है ना रे? बस हमारा एक काम कर देना, सुबह होने से पहले राधा को जला कर मार देना, समझा? जला कर मार देना। ये हुक्म हमारा थोड़ा ही है, ये तो मिनिस्टर सुखदेव का है। चल ड्राइवर, तनिक दबा ना गाड़ी रे। कौन है? बाके। क्या चाहिए? तोहरी जिंदगी। भला हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? हमारी शादी हो। मत, पीछे मत। चुपचाप बैठ और हमारी बात सुन। तोहरी जिंदगी खतरे में है। सुखदेव ठाकुर तोहरी जान का दुश्मन है। हमारी जान के दुश्मन तो तुम हो। देखो राधा रानी, तनिक ठंडे दिमाग से हमारी बात को सुनो। देखो हम गुंडा हूं, बदमाश हूं, लुच्चा लफंगा हूं, लेकिन गंदा आदमी नहीं हूं। हमसे गलती से तुम्हारे देवता जैसे भैया का कत्ल हो गया। हमको प्राश्चित करने का मौका दे दो राधा रानी। हम सच कह रहे हैं, वो लोग समझते हैं कि हमारे हाथ से तुम्हारे भैया का कत्ल हो गया तो हम तुम्हें भी मार देंगे। अरे हम तुम्हें कैसे मार सकते हैं राधा रानी? हम तुम्हें नहीं मार सकते, तुम्हें नहीं मार सकते। देखो जैसा हम कहते हैं वैसा करो, तुम यहां से निकल जाओ, यहां से कहीं दूर चले जाओ। पर हम जाएंगे कहां? अरे कहीं भी चली जा, चली जाएगी तो बच जाएगी वरना मारी जाएगी। और हां, ये 10,000 रुपया तेरी जान लेने के वास्ते हमको मिला था, कल सुबह कोटेशन से तुझे मुंबई की गाड़ी मिल जाएगी, वहीं चली जा। तेरे जाने के बाद हम इस घर को आग लगा देंगे, खबर फैल जाएगी कि राधा मर गई। अरे चल बैठी क्या है, चल जल्दी कर। अरे टाइम नहीं है, देर हो रही है, चलो।
हेलो हेलो दीपक यस इंडियन हाई कमिश्नर चंद्रशेखर हियर यस सर आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है यस सर आई विल बी राइट देयर सर थैंक यू दीपक मैंने तुम्हारा खत पढ़ा और उस पर इंक्वायरी करने के लिए इंडिया रिक्वेस्ट भी भेजी मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इंक्वायरी करने वालों को गांव वालों ने बताया कि तुम्हारी पत्नी राधा तुम्हारा इंतजार करते करते पागल सी हो चुकी थी उसने अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा ली खुद भी जल गई घर भी जल गया आई एम सॉरी दीपक गॉड ब्लेस यू जाना है लंदन कहाँ जाना है लंदन हमको लंदन जाना है भैया मुंबई में अकेली हो जी हाँ पहली बार आई हूँ क्या आपको लंदन जाने का रास्ता मालूम है हाँ हाँ बिल्कुल मालूम है कईयों को वहाँ पहुँचा चुका हूँ तो बस हमें भी पहुँचा दीजिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी आइए आइए जय राधे कृष्ण ओहो। क्या हुआ ड्राइवर साहब लगता गाड़ी खराब हो गई अभी देखता हूँ पाली बादशाह एक नई लौंडिया लेके आया हूँ क्या माल है शोरूम मॉडल क्या अच्छा किधर है टैक्सी में बैठे लिए चलो देखते हैं कौन सा नया माल लेकर आया ये देख भाई ये देख क्या देखूं अबे इधर तो कुछ भी नहीं है लगता है तेरी मैना फुर हो गई कहां भागी सरी चल देखें बोरे सारी पानी पी रही है क्या आइटम है लौंडिया खूब चलेगी ड्राइवर साहब गाड़ी ठीक हो गई बिल्कुल ठीक हो गई और हमने खरीद मिली 7,000 नगद देकर चंदो मतलब ये कि इसने तेरे को बेच दिया समझी सौदा हो गया है तेरा अब चल अपन के साथ चल इसके साथ जा अरे चल इधर उधर क्या देखती है चल 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 सुनो तुमने छिपन चिकनी लंदन जाने को निकली चल बाप तेरा लंदन है चल अरे चल 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 सीधी पे आप पूछे आप पूछे ना अच्छा सर अरे चल भाग जा तू यहाँ से इस बस्ती से भाग जा हिम्मत करके भाग जा भाग भागे तो वरना वरना मेरी लूपा की तरह तेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी भाग तू भाग अरे छोड़ो मेरी साले हमारी लड़िया छुड़ा ले मेरे साले को अरे छोड़ो भाग जा तू भाग जा
होगी। वो बच गई, मेरी रूपा की तरह वो बर्बाद नहीं हुई, बच गई वो बच गई। बहन मुझे बचा लो। बहन? हाँ हाँ, तुम टकोरी को बहन बोले? हाँ हाँ बहन, हाँ मुझे इनसे बचा लो। अम्मा इन्हें मेरे को बहन बोले? हाँ हाँ हाँ। अरे मैं वारी वारी जाऊं बिटिया, अरे क्या मुखड़ा है रे इसका? अम्मा इधर मुखड़ा है, उधर देखो पूरा दुखड़ा है। अबे पीछे हट। अम्मा पे हाथ उठाया। क्या कर रही है? क्या करेंगे बोलता है? अभी दिखाना तेरे को, दिखाना। हमारे पहलवाने को बुलाते हैं अभी। बुला बुला। अरे वाह अरे वाह, हसीना दिखा दे तेरा सीना, दिखा दे पसीना। तेरे को मालूम एक मच्छर आदमी को इजड़ा बना देता मालूम, पर आज देख तू ये हिजड़ा तुझ बड़े मच्छरों को क्या बनाता देख। हाँ बोल, क्या बोलता बोल। देखो मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, 7,000 रुपए देकर लौंडिया खरीद लिया, चुपचाप इसे मेरे वाले कर दो। अरे 7,000 की बात कर रहा है? उस लड़की ने हमको बहन बोला है, हम उसके लिए जान दे देंगे। अरे वो उस्ताद इन हिजड़ों के मुंह मत लगो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या मतलब? पीट दिया तो क्रेडिट नहीं, और पीट गए तो हम फड़वे नहीं, और सारों को खत्म कर दूं। कर दो। अरे खंटा खोल के दे रहे, व्यापसी फंटा जो भी है, बैठ लो। चल नीचे उतर, उतर रहे माठी मिले। मेरा नाम मालूम तेरे को? नहीं 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 मालूम। मेरा नाम फ्री देवी। फ्री देवी? हाँ। क्या मतलब? मैं फ्री में मिलती हूँ ना, इसलिए मेरा नाम फ्री देवी है। दादी देख देख तेरे पीछे के, देख देख ले लड़की उठा तो बड़ा साल है। क्या रहा मेरे गुलदस्ता? अरे क्या ठोके रहा? भका भक भका भक भका। हाँ माँ, ये छोरी मेरे गांव की है। अच्छा, अब मेरी बेटी जैसी हो गई। अब भाई काम करो, इसको अपने घर ले चलो। अरे नहीं रे, इसको लंदन जाना है दूल्हे के पास। अच्छा, जरा मालूम कर कौन सी गाड़ी जाती है। अम्बा उधर गाड़ी नहीं जाती, उधर एरोप्लेन जाता है। हाँ तो उसका टिकट भी तो कहीं मिलता होगा। उसका एक पास होता है, फॉरेन का टिकट होता है। वो कहाँ मिलता है रे? हाँ अरे मालूम रहेंगे, वो अपना पैरेलल है ना, अपने को दुबई ले गया था ना। हाँ। उसका एक टिकट लगता है, उसका एक पास लगता है। हाँ। और चल ना प्यारे के पास चलते हैं। हाँ, हाँ, अब प्यारे चलो के पास चलो। चलो हाँ, के चलो, हाँ, हाँ, चलो रे बच्चा। प्यार मिलता यहाँ, कोई अकेला रह सकता है कहाँ। ओ जानम तुम मेरा साथ ले ले, पांच तो चेहरे से मायूसियाँ दे दो, लबों को तेरे सुर्खियाँ। ओ जानम हाथों में हाथ दे दे।
पे लुटाऊंगी। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, ये जानते हुए भी कि मैंने राधा को जी जान से प्यार किया है। ये जानकर ही कि तुम किसी को इतना प्यार कर सकते हो, मैं तो तुम्हें और भी चाहने लगी हूं दीपक। और फिर राधा, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही। यही तो गम है जो मुझे जीने नहीं देता, यही तो गम है, यही गम मुझे दिन रात खाता रहता है दीपक। यही गम कि उसने मुझे कितना याद किया होगा, कितना तड़पी होगी मेरे लिए, रोज दुल्हन का श्रृंगार किया होगा। दीपक, जानती हो, उसने सोचा होगा कि मैं उसे भूल गया, और एक रात उसने खुद को जलाने की सोची होगी, अपने ऊपर तेल डाला होगा ऐसे, आखिरी बार मुझे याद किया होगा और ऐसे आग लगाई होगी। ये क्या कर रहे हो दीपक? दीपक, राधा कैसे जली होगी, मैं वही जलन महसूस करना चाहता हूँ। नहीं यारा, तू वरी ना कर, मैं उठे जाके सब कुछ संभाल लेना। तू समझिया बहुत घबरा रहा, तू घबराई ना। नहीं पर तेनू उठे दा नहीं पता यारा, लीव इट टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ इट, घबराई ना तू। नमस्ते। नमस्ते, आप हिंदुस्तानी हैं? हां। आप हमारा एक काम करेंगे, आप हमें दीपक राय का घर बता देंगे? दीपक राय? दीपक राय कौन? दीपक राय, आप दीपक राय को नहीं जानते? दीपक राय, उसका कुछ एड्रेस कुछ है आपके पास? कमाल है, आप हमारे वृंदावन में किसी से भी पूछिए मुरली फूल वाले का घर, आपको फटाक से बता देंगे। और हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, दीपक राय तो बहुत बड़े आदमी हैं, आपको उनका घर नहीं मालूम? नहीं, मैं जब पहली बार लंदन आया था ना, तो मैं भी ऐसे ही बातें करता था, यहाँ किसी की एड्रेस के बगैर किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं यार, ये हिंदुस्तान की लड़कियाँ बिना अता पता लिए यहाँ के लड़कों से कैसे शादी कर लेती है। एनीवे, एनी चार्ज, तू घबराई ना। एक कुड़ी नु देख के हुन मैं नहीं घबरांदा। What a game it was, boy oh boy, wasn't it a lucky day? Leave her! I said leave her!
बस बस नहीं कर सकता तू, बच बच। हे कृष्ण भगवान, अब और नहीं सह सकता, अब और मेरी परीक्षा ना लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती, बस मेरे पति से मुझे मिला दो, मेरे दीपक से मुझे मिला दो। Hare Krishna, my name is Teresa, what's your name? Radha. Meri man mein hai tu, tu Meri tan mein hai tu, tu Jahan bhi dekhu tu hi tu दीवानी तेरी गाए रे पुकारे चली जाए रे न जाने किस मोड़ पे मुझे तू मिल जाए रे मेरे मन में है तू तू मेरे तन में है तू तू जहां भी देखूं तू ही तू दीपक मेरी उम्मीद का जलता रहे सदा दीपक मेरी उम्मीद का जलता रहे सदा सिंदूर मेरी मांग में खिलता रहे सदा आंखों से दूर है जो Good morning, Mom.
मॉम गुड मॉर्निंग। मॉम क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? करूंगी, पर पहले मेरे सर की कसम खा कि चाहे कुछ भी हो जाए तू दोबारा ये बचपने की हरकत कभी नहीं करेगा। खा मेरे सर की कसम। मैं तेरे सर की कसम खाता हूं, पहले तू मेरे पास बैठ। ले तेरे प्यारे सर की कसम। अब तो खुश है ना? हाँ बहुत खुश। तू दुनिया में नहीं है। मेरा बेटा ऐसी लड़की से इतना प्यार करता है जो उसके लिए अपनी माँ को भी भूल गया। ऐसा मत कहो मॉम। तो और क्या कहूं, मैं तो हर जगह झूठी पड़ गई ना। टॉली से मैंने तेरा रिश्ता तय किया था, मुझे क्या मालूम था तू इंडिया घूमने नहीं शादी करने के लिए जाएगा। जो इस दुनिया में नहीं है उसके लिए तू चलकर अपनी जान देने जा रहा था, और जो तेरे लिए जी रही है उसकी तुझे कोई परवाह नहीं। पता है टॉली ने तुझे बचाते बचाते अपने हाथ जला लिए। दीपक टॉली से अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी। हाँ कर दे बेटा, हाँ कर दे बेटा, हाँ कर दे। दीपक तू मंदिर नहीं चलेगा? नहीं मॉम, दादी माँ के बिना मंदिर जाने को दिल नहीं करता। आप लोग जाइए प्लीज, कैरी ऑन। ठीक है तू बैठ, हम लोग हो आते हैं। चल डॉली। जी। प्रभु जी। जी। कल शरद पूर्णिमा है, माँ जी हर साल घर में पूजा करवाती थी। मैं चाहती हूँ आप कल आकर घर में जरा पूजा कर दे ताकि घर में शांति बनी रहे। ठीक है, मैं सवेरे पहुंच जाऊंगा, आप अपना पता दे दे। जी डॉली जी, वो काट देना बेटा। जी। प्रभु जी ये मेरे होने वाली बहू डॉली है। नमस्ते। लीजिए। प्रभु जी प्रसाद। हरे कृष्ण। माँ जी थैंक्स। जी अच्छा प्रभु जी हम चलते हैं। माँ जी हमें आशीर्वाद दीजिए, हम जिस काम से जा रहे हैं उसमें सफल रहें। जीती रहो, भगवान तुम्हारे साथ रहे। जी माँ जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी कौन है ये लड़की? ये रानी है, इंडिया से आई है। बेचारी अपने पति की तलाश में आई है और उसी की तलाश में जा रही है। कितनी सुंदर और भोली है, भगवान करे इसे इसका पति मिल जाए। योर बेल्ट प्लीज। This is the house. अच्छा, मैं शाम को हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर पहुंच जाऊंगी। Are you sure? Yes. तुम नमस्कार। तुम जी अचानक पुजारी जी की तबीयत खराब हो गई इसलिए उनकी जगह हम पूजा करने आए हैं। अच्छा तुम पुजारन हो? प्लीज प्लीज कम इन, यू आर वेलकम। पूजा घर इधर है, पूजा घर प्लीज। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हाँ
मॉम शॉपिंग कर रही है। देखो तुम जल्दी वापस आ जाओ। हाँ डैड आ रहे हैं। यू आर कमिंग। ये क्या कर रही हो तुम? बाबूजी नाराज मत होइए, हम कोई गैर नहीं है। पहचानिए 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 तो हम कौन है? नहीं पहचाना ना, हम आपकी बहू राधा है। What? राधा? Hey, what are you doing? ये क्या कर रही हो? वाह पार्टनर वाह। अरे भाई हम तो पूजा करने आए थे और तुमने ये राधा है, दीपक वाली राधा। ये कैसे हो सकता है? वृंदावन वाली राधा? वृंदावन वाली राधा? लेकिन उसे तो मैंने मरवाया था। असंभव असंभव। दीपक आ गया। दीपक दीपक कुलदीप, हम इस लड़की को ठिकाने लगाते हैं। दीपक को बाहर रोको। चल। वेलकम होम माय सन, वेलकम होम माय ब्यूटीफुल वाइफ। बिल्कुल करेक्ट। अभी एक फोटो लेते हैं इस घड़ी को याददाश्त में डालने के लिए। अरे कोशी तुम तो ऐसे ही खड़ी हो। अरे माँ का एक्सप्रेशन दो, तुम तो नर्स की जैसे खड़ी हो। कम ऑन वन मोर फोटो। दैट्स गुड। पहले जरा कैमरे का हुड तो खोलिए। ओह आई एम सॉरी। जरा जरा नजदीक आइए और एक्सप्रेशन दीजिए। गिव मी अ स्माइल। दैट्स राइट। ओह वंडरफुल। अच्छा नाउ पुट योर आर्म्स अराउंड योर मदर। कम ऑन कम ऑन। आह दैट्स गुड। लवली लवली। ओके लेट्स हैव अ स्माइल। दैट्स इट। ओह व्हाट। अरे हे ये तो हिल गया। सॉरी सॉरी। अभी एक लास्ट फोटो, एक अच्छा फोटो लेते हैं। कैमरा हिल गया। वेरी गुड स्माइल। दैट्स इट। दैट्स लवली। अच्छा एक फोटो बाहर लेते हैं। ना अच्छा दिन है। अरे इट्स सच अ ब्यूटीफुल डे। अब पूजा के बाद प्लीज गिव मी वन लास्ट फोटो। लेट्स गो आउटसाइड। कह दिया ना पूजा के बाद। अरे पूजा तो हो चुकी है। पूजा हो गई? हाँ वो लड़की आई थी, वो पूजा करके चले गई। लड़की आई थी? अचानक क्या हुआ कि पूजा पुजारी की तबीयत खराब हो गई तो उसकी जगह में वो लड़की आई, पूजा करके चले गई। ओह प्रभु जी ने रानी को भेजा था? That's right, her name was Rani. बहुत सुंदर और मासूम लड़की। हाँ हाँ बहुत सुंदर थी। भाभी आ गई। हाँ that's भाभी क्या पूजा किया उसने? वाह और पूजा करके चली गई। बहुत अच्छी लड़की है, बिचारी अपने पति की तलाश में यहाँ आई है। मिल गया उसका पति, उसी के साथ तो गई है वो। अच्छा उसे पति भी मिल गया और ससुर भी मिल गया, क्यों कुलदीप जी? सच? हाँ हाँ कोशिश कुछ खाने का इंतजाम करो, खाना लगाओ जी। अरे कुलदीप दीपक शादी के लिए तैयार हो गया है, सिर्फ खाना खिलाओगे? अरे वाइन शाइन हो जाए यार। हाँ गुड आइडिया। अरे भाभी आप उधर कहाँ जा रही हैं? भाई साहब वाइन बॉटल स्टोर रूम में है, वहाँ से लाने जा रही हूँ। नहीं 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 आप नहीं लाएंगी, भूल गई आज पूजा हुई है, आप शाम को हाथ लगाएंगी। अरे हमारे दोस्त किस दिन काम आएगा, चाहिए लेके आइए। ऑफकोर्स एक मिनट में आता हूँ। कोशी एक काम करना, वो थोड़े स्नैक्स और वो खाने का बंदोबस्त करना, मैं अभी आया। आप ठीक तो है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाभी। राधा क्या कहा तूने? यहाँ राधा आई थी? तू ठीक तो है ना बेटा? मैं पागलपन की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं राधा की खुशबू महसूस कर रहा हूं। जब जब मैं राधा से मिला हूं यही खुशबू मैंने महसूस की है। यहां राधा आई थी मां,
मगर वो कैसे आ सकती है? शायद मैं पागल हो गया हूं, लेकिन ये खुशबू अब आ रही है, आ रही है, यहां भी आ रही है, शायद यहां भी बैठी थी वो। अब खत्म हो गई, यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है, डैम किधर, यहां भी आ रही है, यहां किधर है बोलो, यहां कहां है, कहां आ रहा है, इधर किधर है, शायद यहां भी आई थी वो, इधर भी आ रही है बोलो, इधर आ रही है कहां है, यहां कहां, इधर 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 कहां है बोलो, कहां आ रही है, कहां आ रही है, इधर आ रही है, यहां आ रही है, किधर आ रही है बोलो बोलो, कहां आ रही है, कहां आ रही है, यहां किधर है, डैम आपका स्प्रे तो खत्म हो गया डैड, लेकिन राधा की खुशबू अभी तक आ रही है। ये तो बच्चा है, क्या आप भी इसके साथ बच्चे हो गए, क्या कर रहे हैं आप? अरे दीपक बेटे, किन चक्करों में पड़ गए हो, हम इतने दिनों के बाद मिले हैं, कुछ वाइन शाइन हो जाए बेटा। सॉरी सुखदेव अंकल, आज मैं राधा की खुशबू के नशे में हूं। राधा तेरी तो यात्रा सफल हो गई, कितना प्यार करता है तुझे तेरा दीपक। इंतजार की लंबी रातें कट जाएंगी आंखों में, तेरी याद आएगी जब जब फूल खिलेंगे शाखों में, वो रोई होगी जो यूं बैठे बैठे मेरा ख्याल आया होगा, यादों के घेरे में उसने खुद को कितना तन्हा पाया होगा, न जाने कैसे उसने मुझे भुलाया होगा। झुकी झुकी सी अखियों से मिलती होगी सखियों से, बागों में ना बोली होगी जाकर फूलों कलियों से, दर्द ये चढ़ पाएगा वो सदा याद आएगा, अब तो जाके साथ ही दिल से ये गम जाएगा, न भूला मैं उसे न उसने मुझे भुलाया होगा, न भूला मैं उसे न उसने मुझे भुलाया होगा, वो रोई होगी जो यूं बैठे बैठे मेरा ख्याल आया होगा, ना जुदा होंगे हम मौत से भी सनम, जान है तू मेरी साथ है हर कदम, ना जुदा होंगे हम मौत से भी सनम, ना जुदा होंगे हम। रस्तोगी देखा, वृंदावन की चिड़ैया फुदकते फुदकते लंदन तक आ पहुंची, और फंसी भी तो लंदन में पूजा करते हुए, हमारी नजर को नजर ना लगे, देखिए कैसी सुंदर से सजी है, बस दूल्हे की कमी है मंत्री श्री सुखदेव जी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, अगर इसे दूल्हे का इतना ही शौक है तो हम इसे अपनी दुल्हन बनाएंगे, क्यों राधा जी? तमीज से बात करो सुखदेव ठाकुर, तुम इस समय दीपक राय की धर्म पत्नी राधा से बात कर रहे हो। राधा रानी, दीपक राय की पत्नी हमारी बेटी डॉली है और वही रहेगी, परसों उनकी शादी बड़ी धूमधाम से होने वाली है, पर अफसोस तुम वहां नहीं रहोगी राधा रानी। जा कर ले अपनी बेटी की शादी दीपक से, अरे तू उसे बिठा दे दीपक के घर में,
तू जहां चाहे उसे बिठा दे, लेकिन तू उसे दीपक के दिल में नहीं बिठा सकता। वहां हम बैठे हैं, हम। राधा मर के भी दीपक के दिल में जिंदा है। अपनी बराबरी मेरी बेटी के साथ करती है, नीच अनपढ़ गवार लड़की। नहीं सुखदेव ठाकुर, तुम गलत बोल रहे हो। अब हम अनपढ़ गवार नहीं हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। सुनोगे? यू आर अ चिड़ैया। रसोगी? नहीं, इसे जिंदा रखेंगे। सुखदेव ठाकुर, दीपक अब भी मेरी खुशबू महसूस करता है। जिस पत्नी का पति उसे इतना प्यार करता हो, उसका तुम लोग क्या कुछ बिगाड़ोगे? अब तो हम जिएंगे, और तुम लोगों की आंखों के सामने देशबंधु दीनानाथ के खानदान की बहू बनकर दिखाएंगे। देखेंगे, देखेंगे। दो दिन के बाद हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, उसके बाद हम बस तुम्हें देखेंगे, और जब हम तुम्हें देखेंगे तब जी भर के अंग्रेजी में गालियां देती रहना। हुँ? राधा रानी को इंजेक्शन लगाए देना, बहुत दूर से आई है। वृंदावन की चिड़ैया, और तुम दुष्टों की मौत भी बहुत दूर से आई है। तुम्हें ये पसंद है जी? और वो भी। अच्छा, अरे देखो भांजी, कितना सुंदर झुमका है। Rani is missing after she came to your house. Your Rani's friend? Yes. No, she's not missing. उसे अपना पति मिल गया है। वो उसी के साथ गई है। She's gone with him. Oh, okay. सुनो। Yeah? कल मेरी शादी है। I'm getting married tomorrow. Please come. Will Rani come? Perhaps. बहुत सारे लोग आएंगे। Rani भी आ सकती है। यार बना है टूला और फूल खिले हैं टिलके, और मेरी भी शादी हो जाए। तूने सबके सामने मुझे टप्पू क्यों मारा? मैंने कहा था दूसरी शादी की बात करोगे तो मौत पड़ेगी। मैं कौन सी शादी कर रहा था? मैं तो गाना गा रहा था। तो अच्छे से गाना गाओ ना। कौन सा? वही आपने उस दिन गाया था, वो वाला। Oh, come on, let's go, man. Wait. मेरे मन में है तू तू, मेरे तन में है तू तू, जहां भी देखो तू ही तू। दीवानी तेरी गाए रे, पुकारे चली जाए रे, न जाने किस मोड़ पे मुझे तू मिल जाए। मेरे मन में है तू तू, मेरे तन में है तू तू, जहां भी देखूं तू भी तू। ओह मैं गाना भूल गया, माय गॉड। क्या आगे क्या गाना? ये हिंदुस्तानी रॉक का गाना इतना आसान नहीं है, बोल मैन। दीपक मेरे उम्मीद का चौतारा है सदा, दीपक मेरे उम्मीद का चौतारा है सदा, सिंदूर मेरे महान में क्यों तारा है सदा। मेरे मन में है तू तू, मेरे तन में है तू
तू जहां भी देखूं तू ही तू दीवानी तेरी गाई रे पुकारे चली जाए रे ना जाने किस मोड़ पे मुझे तू मिल जाए रे ये गाना कहाँ से सीखा तुमने? ये रानी का गाना। नहीं, ये तो मेरी राधा का गाना है। No, Rani from India, Vrindavan. She taught me this in London. She came in search of her husband. What? You wanna see her? I have a photo. Yeah. रसोगी, इस अंग्रेज लड़की को उठा के बाहर फेंक दो। Oh, please, please show me this knife. बेबी देखिए आप बाहर आइए मेरी बात समझिए आइए रस्तोगी जी आइए चलिए ना बात तो सुनिए रस्तोगी जी चलिए ना बिहेव योरसेल्फ बैठो होगा क्या शो मी दिस या ओह माय गॉड आई कांट बिलीव दिस राधा रस्तोगी राधा को मरवा दो हम तो आपसे पहले कह रहे थे जल्दी जाओ जाओ She's missing after she came to your house. Please find her. She's my guru. I'll find her. I'll find her. Dad? उस दिन तो आपने कहा था कि एक लड़की आई थी पूजा करने के लिए और उस लड़की का पति मिल गया इस लड़की का पति मैं हूं डैड बताइए बताइए मेरी राधा कहाँ है अरे तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो बेटे जैसे तुम्हारी राधा को हमने कहीं उठवा लिया है पागल हो गए हो तुम पागल हो गए हो कोशी कोशी समझाओ इसे नहीं बहुत हो गया हमारा बेटा पागलों की तरह दीवारों से सर टकराता रहा लेकिन हम ना समझ सके लेकिन आज आज जब राधा जिंदा है तो मैं इसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी हेलो टाइगर जो बात मैं कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो यस रस्तोगी उस लड़की को खत्म कर दो किल दैट गर्ल ओके समझे रख लो तेरा भी कुछ करता है मैन टेंशन खत्म हो गई इससे पहले कि मैं शराफत की हद को पार कर जाऊं बता दीजिए मेरी राधा कहाँ है हद पार कर ले बेटा हद पार कर ले मैं तो बेटी वाला हूं मेरा तो सर झुका ही रहेगा बहुत हो गया दीपक बहुत हो गया Now go and sit down. Come on, आज मुझे मत रोको डैड आज मुझे मत रोको वरना सबके वीजे कैंसिल कर दूंगा मैं सॉरी सर आई एम सॉरी सर आई एम रियली वेरी सॉरी यू नो एक्चुअली आई एम इन टेंशन यू नो लेकिन मैं टेंशन में नहीं हूं अब टेंशन में आएगा टकलू क्योंकि तुम्हारा टाइगर मेरे हाथ में अंडरस्टैंड यू स्टूपिड गेट लॉस्ट मी यस टाइगर हेलो टाइगर हेलो टाइगर यस उस लड़की को खत्म मत करो डोंट किल हर उसके पास हमारे सीक्रेट्स हैं अभी तक तो मौला लड़की को खत्म करो वो पागल है अब मैं पागल हूँ सुनो और किसी का फोन आए तो उसकी बात पर सुनना अंडरस्टैंड अच्छा तुम वही होने जा मैंने कहा था एग्जैक्टली कहाँ पर तुम कुछ भी कर ले बेटा राधा तुझको नहीं मिल सकती पापा प्लीज आप बता क्यों नहीं देते आपने राधा को कहाँ छुपाया आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं पापा हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं जो एक बेटी के बाप को करना चाहिए एक दोस्त को करना चाहिए तो मैं भी वही करूंगा जो एक पति को अपनी पत्नी की जिंदगी बचाने के लिए करना पड़ता है छोड़ो मुझे राधा मैं तुझे अपने हाथ से मारूंगा राधा का पता चल गया कहाँ
15 कैसे मेडन है। अरे तुझे कैसे पता चला? तकलू का मोबाइल मेरे हाथ लग गया इससे। चल चल दीपक, जब तक तुम वहां पहुंचोगे राधा मर चुकी होगी, क्योंकि उसको मारने का ऑर्डर मैंने दिया है रस्तोगी ने। अगर राधा को कुछ हो गया तो मैं वापस आ रहा हूं, समझा? तुझे मारने का ऑर्डर मैं दूंगा। अच्छा, ए, तूने मेरा रैप देखा है, रेप नहीं देखा है। तू अपने आप को समझता क्या है? दीपक, तू जाके राधा को बचा, मैं से देखता हूँ। दीपक को क्या बुलाता है? रामायण में सीता का पता लगाने के लिए राम जी ने हनुमान को भेजा था, लेकिन यह राम जी खुद गए और हनुमान को छोड़ गए। तू अपने आप को हनुमान समझता है? यस। तो ठीक है, मैं भी बनारस का रस्तोगी हूँ। अगर तू बनारस का रस्तोगी है तो मैं लंदन का रास्ता रोकी हूँ। अच्छा? रावण ने हनुमान को छोटा सा बंदर समझा था, लेकिन हनुमान ने पूरी लंका में आग लगा दिया। अब देख मैं क्या करता हूँ, वहां देख रास्ता रुक गया। हाँ, मैं रस्तोगी बोलता है। वो लड़की से जरा बात करो। वो क्या बात करेगा, वो तो मरने वाला है। तुम फोन दो उसको, फोन दो। लो बात करो। राधा, राधा मैं दीपक बोल रहा हूं, तुम्हारा दीपक। सुनो, तुम सुन रही हो ना राधा? तुम्हें जीना है राधा, मेरे लिए जीना है। राधा मैं आ रहा हूं, तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं। राधा सुनो, बस थोड़ी देर आओ, थोड़ी देर और मत रखो, थोड़ी देर और। चल चल राधा रानी, तेरी किस्मत में मेरी दुल्हन बनना नहीं लिखा। दीपक को तेरी अब लाश ही मिलेगी।
बात सुनो। चल, माफी मांग, दीपक, बर्बर, माफी मांग। जादूगर 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 जादूगर।